हाय एवरीवन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हो आप सब? आई होप सो यू आर ऑल गुड। तो गाइस आज मैं लेकर के आया हूँ ईवी वेरिएंट। बिल्कुल आपने सही सुना है, ईवी मतलब बैटरी पे चलने वाला है, इलेक्ट्रिक कोई भी कार बोल सकते हो चलेगा। और वैसे मैं बता दूँ कौन सा मॉडल है, कौन सा ब्रांड है, तो वैसे तो मैं इसको आपको वीडियो का मतलब स्टार्टिंग में बताऊँगा, जब मैं गाड़ी को दिखाऊंगा तभी बताऊँगा, बट मैं ऐसे ऊपर से बता दूँ तो इसे नैनो भी बोल सकते हो, चाहो तो दूसरा कंपनी बोल सकते हो, बट मैं रियली बताऊँ ना तो जितना साइज नैनो का ना मतलब सेम टू सेम समझो नैनो ही है और ईवी वेरिएंट है। और क्या माइलेज निकालते हैं, कितना प्राइस है, कौन सा मॉडल है, सब कुछ मैं अभी आपको क्लियर करके बता रहा हूँ। साथ में इतना ही नहीं भाई, साथ में दो गाड़ी और लेकर गए हैं। वैसे आपको पता होगा जो लोग हमारे वीडियोज़ कंटिन्यू देखते हैं, हमारे वीडियोज़ पर तीन तीन गाड़ियाँ इधर डेली आ रही है, और मैं जितना ज़्यादा हो सकता उतना ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ और ज़्यादा गाड़ी को बढ़ाने का, ताकि एक ही वीडियोज़ के साथ हम लोग बहुत सारा गाड़ी का इन्फॉर्मेशन ले सको और जिनको जो गाड़ी लेना हो ले सको। वैसे आपको पता है टाटा नैनो का क्रेज़ अभी भी है, बट हाँ कब तक चलेगा कब तक नहीं चलेगा इसका कोई पता नहीं है। और मैं इसीलिए आप लोगों को सजेस्ट करना चाहता हूँ, आप कोई और भी गाड़ी पर जा सकते हो। अब नैनो लोग ज़्यादातर इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि क्या है ना, तो उसका प्राइस थोड़ा सस्ता मिलता है, मतलब 40,000-45,000 तक वो गाड़ी पड़ जाता है। तो मैं आप लोग उसी रेंज में दूसरा मॉडल का भी गाड़ी लेकर जा रहा हूँ, मतलब होंडा हो गया या फिर आपको होंडा मतलब होंडा सिटी का होंडा उतार यार, होंडा वाला बाइक वाला होंडा नहीं, तो होंडा सिटी का हो गया होंडा, और होंडा ही लेकर के आने का ट्राई कर रहा हूँ। मारुति सुजुकी लेकर के आ रहा हूँ, तो बहुत सारा गाड़ी का कंपनी का मैं बहुत सारा रिव्यू कर रहा हूँ जो कि 50-60 के अंदर आपको पड़ने वाले। तो ये सब तो खैर बात की बात है, वो आपको पर डिपेंड करता है, बाई करो ना करो एज अ विश। वैसे तो नैनो तो आता है तो आएगा ही आएगा, उसका टेंशन ना लेना कि बंद हो जाएगा या फिर वीडियो सब नहीं आएगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो गाइस चलिए इस गाड़ी को आपको दिखाते हैं, उसके बाद होप गाइस गाड़ी आपने चेक कर लिया होगा किस टाइप का गाड़ी था। तो मुझे तो मतलब लगता है आपको पसंद आ ही गया होगा, नहीं भी आया तो कोई बात नहीं यार, एक बार लेकर आप ट्राई कर सकते हो। ईवी वेरिएंट है, काफ़ी सस्ता पड़ने वाला है, प्राइस सस्ता है तो बेशक ले सकते हो, और लेने के बाद दूसरा बार सेल हो जाएगा तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो मैं इसका डिटेल बताऊँ, महिंद्रा की गाड़ी है, बिल्कुल आपने सही सुना, महिंद्रा की गाड़ी है, ठीक है, महिंद्रा ने बनाया है। मैं पूरा नाम बता दूँ, महिंद्रा रिविया, ठीक है, यह नाम 2009 मॉडल गाड़ी है, तो काफ़ी ओल्ड गाड़ी है, बट क्या है ना कि इस गाड़ी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया है और एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है यार, बैटरी वाला गाड़ी बन चुका है और चल रहा है काफ़ी अच्छा। तो चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज आप कमिट कर देना, कोई और गाड़ी चाहिए तो रिव्यू कर दूंगा, बट इसका पहले आप मज़े ले लो यार। तो इलेक्ट्रिक गाड़ी है, किलोमीटर बताऊँ तो सिर्फ और सिर्फ ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ 43,000 किलोमीटर चला होता है, बहुत कम चला, 50,000 भी नहीं चला, तो 43 नॉर्मल माना जाता है। एंड गियर बॉक्स बताऊँ तो इसमें आपको मैनुअल गियर देखने को मिल जाता है। ऑनर का बात की जाए तो फर्स्ट ऑनर गाड़ी है, सो आप लेने के बाद बन जाओगे सेकंड ऑनर, तो इसमें कोई इशू नहीं है। एंड लोकेशन बता दूँ तो कोलकाता का गाड़ी है, तो कोलकाता वाले तो इजीली ले सकते हो, अदरवाइज आप कोई और स्टेट से रहते हो और फिर भी आपको ये गाड़ी अगर पसंद है लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है, NOC गाड़ी का अवेलेबल मैं दिला दूँगा, टेंशन ना लो यार आप लोग। और मैं बताऊँ इस गाड़ी का, तो ऑनर का नाम है RK ऑटो सेंटर, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट नंबर का बात करें किस तरीके से मिल सकता है, तो कैसे इस गाड़ी का कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर कॉन्टैक्ट नंबर डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हो। वैसे आपको मेरे से कॉन्टैक्ट करना तो मेरा आपको कॉन्टैक्ट नंबर तो नहीं देखने को मिलेगा, बट हाँ डिस्क्रिप्शन और इंस्टाग्राम का लिंक जरूर देखने को मिल जाएगा। तो गाइस अब बारी आती है इसका प्राइस कितना है, यानी कि महिंद्रा रेवल जो मैंने बताया 2009 मॉडल, इसका प्राइस कितना है, तो बहुत सस्ता यार, सिर्फ और सिर्फ 65,000 रुपये में गाड़ी आपका हो जाएगा। बिल्कुल आपने सही सुना, सिर्फ और सिर्फ 65,000 रुपीज़ में गाड़ी आपका हो जाएगा, प्राइस नेगोशिएबल है, प्यार मोहब्बत प्राइस और कम हो जाएगा आपके भाई की तरफ से, ठीक है। तो बस करना कुछ नहीं, ऑनर से बात करना है, प्राइस जितना हो सकता है उतना आपको कम कराना है, कम मतलब कितना हो जाएगा वो भी आपको बता ही देता हूँ ऊपर ऊपर से, तो लगभग 50,000-55,000 आराम से कम हो जाएगा, ठीक है, मतलब 50-55 तक आपको आराम से मिल जाएगा, कम होने का मतलब यार तब तो जो 10-15 में बन जाएगा गाड़ी, लेकिन उतना नहीं, हाँ 50-55 तक आराम से गाड़ी आपको मिल जाएगा। तो लेना हो तो आप इस गाड़ी को बेशक ले सकते हो। तो गाइस इस गाड़ी का तो रिव्यू हो चुका है, चलिए नेक्स्ट कार को देख लेते हैं।
होप सो गाइस आपने गाड़ी देख लिया होगा, तो इसका नाम है निशन माइक्रा, माइक्रो बोलो सेम है, ऐसे माइक्रो ही बोलना चाहिए क्योंकि यार छोटा गाड़ी है थोड़ा, तो ये भी नैनो की तरह ही सेम टू सेम है, तो अच्छा खासा प्राइस भी मिल रहा था, तो सोचा आप लोगों के लिए लेकर के आने चाहिए। तो गाइस इसका डिटेल बताऊँ, निशन माइक्रा 2011 मॉडल है, ठीक है, 10 से 12 के बीच में जो एक्स वी वेरियंट आता था वही ये गाड़ी है, एंड इसका मैं आपको प्राइस भी क्लियर कर दूंगा, थोड़ा सा बस वेट कर लो। इसका आपको पेट्रोल वेरियंट देखने को मिल जाएगा, और किलोमीटर का बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 140,000 किलोमीटर चला हुआ है, और गियर बॉक्स बताऊँ तो आपको मैनुअल गियर देखने को मिल जाएगा। ऑनर का बात करें तो गाइस फर्स्ट ऑनर गाड़ी है, तो दिक्कत कोई नहीं है, ले सकते हो आराम से। एंड लोकेशन बताऊँ तो आपको दिल्ली में देखने को गाड़ी मिल जाता है। इंश्योरेंस का बात करें तो गाड़ी का इंश्योरेंस हो चुका है, ऐसा नहीं है फेल वेल है, तो आपको और मैं दिखाऊँ उसका मतलब डिटेल बताऊँ तो ऑनर का नाम है श्याम। कॉन्टैक्ट नंबर का बात करें किस तरीके से मिल सकता है, तो गाइस कॉन्टैक्ट नंबर के लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर इस गाड़ी का दे दूँगा। इसका प्राइस बता दो तो प्राइस है 135,000 रुपये, तो 135,000 में गाड़ी आपका हो जाएगा, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए नेक्स्ट आप देख लें, तो गाइस अभी जो आपने छोटा सा गाड़ी देखा है इसका नाम है मारुति सुजुकी A-Star 2009 मॉडल। तो गाइस गाड़ी काफ़ी खूबसूरत आपको लगा होगा क्योंकि छोटा सा गाड़ी है, छोटा गाड़ी बहुत लोगों को पसंद आता है। तो इसका और डिटेल बता दो तो LXi वेरिएंट है, प्राइस का बात करें तो बताएंगे, थोड़ा सा वेट कर लो मेरे भाई। पेट्रोल वेरिएंट गाड़ी है, किलोमीटर बताऊँ तो 70,000 किलोमीटर गाड़ी चला हुआ है, बहुत कम चला है, ज़्यादा नहीं है। एंड गियर बॉक्स बताऊँ तो आपको मैनुअल गियर देखने को मिल जाता है। फर्स्ट ऑनर गाड़ी है, आप इनको अपने सेकंड ऑनर। एंड लोकेशन बता दूँ तो दिल्ली का गाड़ी है, इंश्योरेंस कराया हुआ है थर्ड पार्टी, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बताऊँ इसका डिटेल तो गाइस आपको इसके अंदर सिक्योरिटी सिस्टम में अलार्म लॉक जो होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे सेंट्रल लॉक बोलता है, कार मैट भी देखने को मिल जाएगा, साथ में बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे यार। तो अब मैं इसका प्राइस बता दूँ तो प्राइस सिर्फ और सिर्फ 85,000 रुपये, यानी 85,000 रुपीज़ की ये गाड़ी आपकी हो जाएगी, मतलब दे सकते हो। और प्यार मोहब्बत प्राइस थोड़ा कम हो जाएगा, नेगोशिएबल है, और भी मैंने दो गाड़ी जो बताया उसका भी प्राइस कम हो जाएगा, तो टेंशन ना लगा, प्राइस सारे गाड़ी का नेगोशिएबल है। तो आप चाहो तो 85,000 का प्राइस है तो वही आपको 75,000 तक, 70-75 तक आराम से इस गाड़ी को आप बाई कर सकते हो। मारुति सुजुकी की यार काफ़ी अच्छा माइलेज देगा, हालांकि पेट्रोल वेरिएंट है, सीएनजी में लगवा सकते हो एज योर विश। तो गाइस होप वीडियो अच्छा लगा हो सब, तो होप करते वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, जो लोग चैनल सब्सक्राइब कर देना, अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें, जय जय।